वेलकम बैक फ्रेंड्स, एंड इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द खलजी डायनेस्टी हु रूल फ्रॉम 1290 AD टू 1320 AD. द फर्स्ट रूलर हु फाउंडेड द खलजी डायनेस्टी वॉज जलालुद्दीन फिरोज खलजी हु रूल फ्रॉम 1290 AD टू 1296 AD, एज वी डिस्कस्ड इन अवर पार्ट वन. जलालुद्दीन फिरोज खलजी, ही वॉज द फर्स्ट रूलर मेजॉरिटी ऑफ इंडिया. वो ऐसे पहले रूलर थे जिन्होंने ये माना था कि इंडिया में जो मेजॉरिटी है वो हिंदूज की है. इनके टाइम पे दोबारा से मंगोल्स इन्वेडेड एंड एम्ब्रेस्ड इस्लाम एंड सेटल डाउन नियर दिल्ली. इन्हीं के टाइम पे दोबारा से मुस्लिम्स आए थे. सबसे पहले इल्तुतमिश के टाइम पर आए थे, अब इनके टाइम पे दोबारा आए और इन्होंने इस बार अपना फाइनली सेटल डाउन कहाँ पे कर लिया, दिल्ली में, और ये न्यू मुस्लिम्स के नाम से जाने गए. ठीक है. इन्वेशन ऑफ देवगिरी बाय 1294 बाय अली गुरशप और अलाउद्दीन. और इनको किसने मारा? मर्डर्ड बाय अलाउद्दीन, जो इनके सन इन लॉ थे. इनके सन इन लॉ ने ही इनको मार दिया था. क्यों? क्योंकि वो खुद राजा बनना चाहते थे, शहंशाह बनना चाहते थे. इसके बाद जो खलजी डायनेस्टी के नेक्स्ट रूलर आते हैं, वो आते हैं आपके अलाउद्दीन खलजी. अलाउद्दीन खलजी रूल फ्रॉम 1296 AD टू 1316 AD. ही वॉज जलालुद्दीन सन इन लॉ, उनके सन इन लॉ थे ये. फर्स्ट तुर्किश सुल्तान हु सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स. पहले तुर्किश सुल्तान जिन्होंने रिलीजन को पॉलिटिक्स में से हटाया था. ठीक है. इनको क्या कहा जाता था? किंगशिप नोन नो काइंडशिप. जो किंगशिप है वो काइंडशिप से नहीं चलेगी. इम्प्रूवमेंट स्पाई सिस्टम, इन्होंने स्पाई सिस्टम इम्प्रूव किया. इन्होंने एल्कोहल, गैम्बलिंग, ठीक है, मतलब दारू वगैरह और गैम्बलिंग यानी कि जुआ बंद किया. कॉन्फिस्केशन ऑफ लैंड गिवन एज ग्रेंट्स, लैंड का क्या किया? कॉन्फिस्केशन किया. उसके बाद इंट्रोड्यूस मार्केट कंट्रोल पॉलिसी. मार्केट कंट्रोल पॉलिसी इन्होंने इंट्रोड्यूस की. ज़मींदारी सिस्टम इन्होंने हटाया. इसी के साथ साथ इन्होंने अलाई दरवाज़ा, जमित खाना मॉस्क, अलाई मीनार, हज, ये सब इन्होंने क्या अपने टाइम पे इन्होंने आर्किटेक्ट बनवाए थे. ठीक है. और इसी के साथ साथ दाग और चेहरा इन्होंने इंट्रोड्यूस भी किया था. कॉन्फिस्केशन का बेसिकली बच्चों मतलब होता है जब्ती कर लेना, मीन्स किसी की जो लैंड हम जबरदस्ती हड़प लेते हैं वो चीज़. ठीक है. ये इन्हीं के बारे में है. तो जो खिलजी डायनेस्टी है वो इतनी सी ही है सिर्फ. मैं इसको पूरा आपको दिखा देती हूँ. इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी के बारे में. वो थोड़ा सा बड़ा है तो पूरी वीडियो लग जाएगी इसमें. थैंक यू.